ओमकार मित्र मंडल द्वारा होली मिलन का आयोजन किया गया था और श्री कृष्ण और राधा रानी की झांकी भी दिखाई गई थी, जिसमें मीरा भाईंदर के सभी पत्रकार शामिल हुए, साथ ही बीजेपी कांग्रेस एनसीपी के सभी नेता शामिल हुए थे। महादेव शिव शंकर की भी झांकी। आइए जानते हैं इस होली मिलन कार्यक्रम के बारे में। झांकी रखी थी, होली मिलन समारोह का ये कार्यक्रम था। श्री ओमकार मित्र मंडल पिछले 15 सालों से हम होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते आए हैं। कोरोना की वजह से 2 साल हम कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, लेकिन सिचुएशन पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। सरकार ने और प्रशासन ने अब अनुमति देना भी शुरू किया है, तो हमने कहा कि एक अच्छा अवसर है फिर से लोगों के साथ रूबरू होने के लिए, अपने दोस्तों यारों को एक बार फिर से एक ही छत के नीचे मिलने के लिए। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम था, ये होली का जो कार्यक्रम है, हमने राधा कृष्ण की झांकी आज रखी थी ताकि लोगों को साक्षात ईश्वर के दर्शन हो सके। हमारी शहर की विधायिका गीता जैन जी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंकुश मालूसरे, कांग्रेस के राजकुमार मिश्रा, बलिस्टर ठाकुर, बीजेपी के विवेक उपाध्याय, संदीप तिवारी जी, कुंवर पांडे जी, मतलब एक देखा जाए तो इस मंच पे आज सभी दलों के सभी पार्टियों के नेता थे, जो कि हमारे देश की खूबसूरती है। इस दल कुछ भी हो कैसा भी हो, सभी एक मंच पर आज नज़र आए, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। से कार्यक्रम कर रहा है और हमारे कार्यक्रम में हमारे मार्गदर्शक और स्थानिक लोगों का भरपूर साथ हमको मिलता है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जिस प्रांगण में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, हम लोग से सब मिले जुड़े। और आज का इस प्रोग्राम में हमारे माननीय विधायक गीता जैन का आगमन हुआ, उनके साथ साथ बहुत सारे अतिथि थे जिनका मैं अगर नाम लेने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और हम लोग कई वर्षों तक ये प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे जो मार्गदर्शक है, लथमन कुमावत जी हैं और महिमा शंकर उपाध्याय जी हैं, इनके छत्रछाया हम और अच्छा करेंगे।